राष्ट्र पर उपस्थित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई, सरदे अडवाणी जी, श्रीमान राजनाथ सिंह जी, श्री अरुण जी, मंच पर बैठे हुए सारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यगण, मंच पर बैठे हुए भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी और आज देश भर से पधारे हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यगण एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक और सांसद महोदय, आज दीनदयाल जन्म जयंती सती की शताब्दी के इस विस्तृत कार्यकारिणी में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, ठीक एक साल पहले कालीकट में हम राष्ट्रीय परिषद में एकत्रित आए थे और उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जी के करकमलों से दीनदयाल जन्म सती के कार्यक्रमों की शुरुआत की थी और प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त आह्वान किया था कि भारतीय जनता पार्टी और देश भर की भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें इस दीनदयाल जन्म सती वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाएं और मुझे आप सबको कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि एक साल के बाद जब हम फिर से इकट्ठा हुए हैं, देश का हर गरीब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जुड़ा हुआ मैं देख रहा हूं। देश का बहुत बड़ा तबका, 60 करोड़ से अधिक लोग अपने आप को देश की विकास यात्रा के साथ जुड़े हुए प्राप्त दिखाई पड़ रहे हैं। दीनदयाल जन्म सती के अनेक विविध कार्यक्रम हुए और दीनदयाल जी के व्यक्तित्व को भी, दीनदयाल जी के कर्तृत्व को भी लोगों तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया। मित्रों, दीनदयाल उपाध्याय जी ने राष्ट्रवाद और सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली एक पार्टी को राह दिखाई और आज न केवल भारतीय जनता पार्टी, राजनीति में जो लोग सार्वजनिक जीवन की शुचिता, सिद्धांत और राष्ट्रवाद के आधार पर काम करना चाहते हैं, वो सभी के लिए दीनदयाल जी एक आदर्श बनकर उभरे हुए दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने जो मुख्य संदेश दिया है, वो मुख्य संदेश न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, देश भर के सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की प्रेरणा बना हुआ है। इन्होंने एक ऐसी पार्टी का कार्य पद्धति का निर्माण किया, जनसंघ के लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, जो पार्टी का आत्मा कार्यकर्ता है, जो पार्टी का चलने का प्रेरणा सिद्धांत है और लक्ष्य भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बैठाना है। मुझे लगता है दीनदयाल जी ने जो तीन चीजें हमारे सामने रखी है वो कभी भी काल बाह्य नहीं होगी और हम सबका हमेशा मार्गदर्शन करती रहेगी। ये दीनदयाल उपाध्याय जन्म सती के वर्ष में कोझिकोड में हमने तय किया था कि इस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के साथ साथ संगठनात्मक रूप से पार्टी के विस्तार के वर्ष के रूप में भी मनाएंगे और हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट हाथ में लिए थे, मगर मैं दो ही चीजों के बारे में यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। मित्रों, हमने दीनदयाल जन्म सती के वर्ष पर पार्टी में एक योजना पार्टी के सामने रखी थी। प्रधानमंत्री जी ने अपने समारोह भाषण के अंदर पूर्णकालिक कार्यकर्ता निकले इसका एक आह्वान किया और उस आह्वान को प्रतिसाद देते हुए पार्टी ने दो प्रकार के पूर्णकालिक कार्यकर्ता का विचार पार्टी के रक्षावधि कार्यकर्ताओं के सामने रखा था कि एक 15 दिन तक पूर्णकालिक निकले और बूथ में जाकर दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन गमन को, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हुए कामों को
जनता का संपर्क कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास करें, और दूसरा 6 माह और 1 साल के लिए पूर्णकालीन निकलना था। मुझे कहते हुए आनंद है मित्रों कि इस 2017 के वर्ष के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में से 3,92,802 कार्यकर्ता पूर्णकालीन, जिसमें से जो कार्यकर्ताओं को 9,69,000 बूथों का संपर्क का काम दिया गया था, इसमें से 6,13,947 बूथों के संपर्क का काम समाप्त हो चुका है। मध्य प्रदेश और गुजरात में अभी 1-7 दिन का अभियान बाकी है, तो 1,50,000 बूथों का पूरे देश भर में और संपर्क होगा। 7,63,947 बूथों का संपर्क का योजना बना है। कुल 9,70,000 बूथों में से 7,63,000 बूथों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से जाकर जनता का संपर्क कर रहे हैं, और जनता के मन में भी आश्चर्य है। कोई चुनाव नहीं, कोई वोट लेने की जरूरत नहीं है, और एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता वहां जाकर अपनी पार्टी का संदेश ले रहे हैं। मैं मानता हूं हम सबको ये 3,92,000 कार्यकर्ताओं पर गर्व होना चाहिए। मित्रों, अनेक वीर कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम करके कठिनाइयों के सहते हुए ये काम किया है, और कुल 1,198 प्रशिक्षण वर्ग हुए, जिसमें करीब करीब 4 लाख कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हुआ, और जो 1 साल और 6 माह के लिए विस्तारक निकले हैं उसमें से 3201 विस्तारक आज क्षेत्र के अंदर है, और 1481 विस्तारक नए जाएंगे। टोटल 4,682 विस्तारक, इसमें ज्यादातर 1 साल के लिए निकले हैं, जो एक एक विधानसभा पकड़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 1 साल के लिए जो विस्तारक जा रहे हैं उनका त्याग, तपस्या, उसका पार्टी के लिए सिद्धांतों के लिए जो कमिटमेंट है, उसके लिए हम सब ने तालियां बजाकर स्वागत करना चाहिए। इस जमाने में 1 साल के लिए इतने कार्यकर्ता, 4600 कार्यकर्ता निकलना बहुत बड़ी बात है। देश भर के मेरे दौरे के समय लगभग 24 राज्यों का मेरा दौरा हुआ है, 25 राज्यों का दौरा समाप्त हो चुका है। सबसे मैंने पर्सनली 2-2 घंटा बात करी है, उनसे बातचीत करी है। पांडिचेरी के अंदर एक लक्ष्मी नाम की अपनी कार्यकर्ता जो हॉस्टल में रहकर अपने बेटे और पति से दूर रहकर लीवना लेकर तमिलनाडु के अंदर काम करने चाहती है, जब मन को बड़ा संतोष। मेरी आंख में उस दिन आंसू आ गए थे जब पांडिचेरी में लक्ष्मी को मैं पूछ रहा था, बहन को तकलीफ तो नहीं हो रही है? उसने कहा तकलीफ तो हो रही है, मगर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हो जाएगी तो सारी तकलीफों का अंत। पांडिचेरी की कार्यकर्ता जाकर तमिलनाडु के विस्तार के अंदर अपने पति और बेटे को भोजन की व्यवस्था न होते हुए हॉस्टल में रहकर काम करती है, तब मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या है, और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी इसका कारण क्या है। मित्रों, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा काम दीनदयाल जन्म शताब्दी के वर्ष में हुआ है। सभी महामंत्रियों का भी चक्रीय प्रवास हुआ है, और सभी महामंत्रियों ने मिलकर पूरे देश का दौरा करने का भी एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। दूसरा एक चीज पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, हमने आजीवन सहयोग निधि का एक लक्ष्य रखा दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के। हम दीनदयाल जी के और गांधी जी के साधन शुद्धि को व्यवहार रूप में कैसे लाया जा सके, इसलिए आजीवन सहयोग निधि का एक लक्ष्य रखा था कि कम से कम पार्टी चलाने की व्यवस्था, संगठन की व्यवस्था, संगठन के प्रवास, कार्यालय के खर्चे, पत्र व्यवहार, बैठकें, संगठन की बैठक, ये सारा खर्चा शुद्ध धन से हो। पार्टी के शुभचिंतक और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चेक से दिए हुए धन से होने चाहिए, इसलिए एक कॉर्पोरेट खड़ा करने का हमने प्रयास किया, लक्ष्य रखा। मुझे कहते हुए आनंद है, मैं कैसे राज्य का उदाहरण लेने जा रहा हूँ जो काम की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, चुनावी सफलता की दृष्टि से भी अभी पिछड़ा हुआ है, मगर केरल ने सिर्फ 2 महीने के अंदर 30 करोड़ रुपया अपने शुभचिंतकों के पास से निकाला। केरल का उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के लिए
रास्ता निकाला है, मगर बाकी राज्यों को तो उसके बाद मेरा सबसे पहले केरल में हुआ, बाकी राज्यों में बाद में उनको ये भी रियायत है। हर एक कार्यकर्ता को हर एक सुचिंतक के पास से शुद्ध रूप से चेक से पैसा लेना, इतना कॉर्पोरेट खड़ा करने का लक्ष्य हर राज्य को दिया है। जिनका उनका वार्षिक खर्चा है उतना सूद वो एफडी में से आ जाए और सीधा जिले और प्रदेश कार्यालय के अंदर चला जाए। मित्रों, मैं मानता हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी है, सारे विधायक यहाँ पर बैठे हैं, सारे सांसद बैठे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये जो दीनदयाल उपाध्याय जन्म शती के वर्ष में हमने संकल्प लिया है आजीवन सहयोग निधि का, इसको हम पूरा करें। मित्रों, इसके साथ कार्यालय निर्माण, उसका भी हमने एक लक्ष्य तय किया था कि हर जिले में कार्यालय हो। देश भर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में क्लस्टर कार्यालय किया था, दिल्ली में क्लस्टर कार्यालय, बाकी हर रेवेन्यू जिले में कार्यालय बनाने की कल्पना की थी। मुझे आपको कहते हुए आनंद है कि 85% कार्यालयों की भूमि खरीदने का काम समाप्त हो चुका है और 120 कार्यालय का निर्माण शुरू हो चुका है। 20 राज्यों में लाइब्रेरी की शुरुआत हो चुकी है, 25 राज्यों में ई लाइब्रेरी की शुरुआत हो चुकी है, देश के सारे राज्यों में विभाग और प्रकल्प की रचना हो चुकी है। हम अपनी आज के दिन की जरूरत के अनुसार पार्टी के काम को 19 विभागों में बांटा है और 10 प्रकल्प जो हमारी संवेदनशीलता को जिंदा रखने के लिए, हमारी पार्टी की लोकप्रियता को स्थायित्व तो देने के लिए बनाए हैं, उसको पहुंचाने के लिए, सफल करने के लिए बनाए हैं। सारे राज्यों ने एक काम पूरा कर दिया है। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा सिद्धि दीनदयाल जन्म शती के दिन हमने प्राप्त किया है। मित्रों, मेरा प्रवास जब हुआ राज्यों में, जब विभाग और प्रकल्प की बैठक चल रही थी, तब धीरे 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 क्लैरिटी होते देख आज मुझे पूरा भरोसा है कि राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर विभाग और प्रकल्प की स्वीकृति बहुत जल्दी से आ जाएगी और जिला स्तर पर हम इसको परकोलेट कर देंगे। मित्रों, आज यहाँ से खड़े रहकर पीछे मुड़ कर देखते हैं तो विश्व की किसी भी राजनीतिक पार्टी और किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रगति, उसका एक्सपांशन इसके साथ कंपेरिजन करे तो हम भी आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने प्रगति की। 10 सदस्यों से बनी हुई पार्टी आज 11 करोड़ सदस्य के साथ संसार का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर गौरव के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। एक भी विधायक नेता जब पार्टी बनी, आज 1387 विधायक है, 325 से ज्यादा सांसद है, पूर्ण बहुमत वाली 14 सरकारें हैं, 4 सरकारों में हमारे कार्यकर्ता हिस्सेदार है और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, मैं मानता हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है वो देखकर हमें लगता है कि जब पार्टी की स्थापना की तब पार्टी के स्थापक सदस्यों में से जोशी जी और अडवाणी जी भी यहाँ बैठे जो शुरुआत से यात्रा को लेकर आ रहे थे, उनके मन में भी शायद कल्पना नहीं होगी कि हम इतना अंतर नाप लेंगे, काट लेंगे। परंतु आज फिर से एक बार, मैंने 9 अगस्त 2014 को कहा था, आज फिर से एक बार कहता हूँ, हम इसको भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च मानने की गलती न करें, अभी बहुत काम बाकी। हमें केरल में भी जाना है, आंध्र में भी जाना है, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल और पूरे नॉर्थ ईस्ट तक, हर बूथ तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा कर ही लक्ष्य रखकर, इस लक्ष्य को आज दीनदयाल जन्म शती के समारोह के समय हम नजर के सामने रखें और आगे बढ़े। मित्रों, मैंने जैसे ही पहले बताया, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता और हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की सभी भाजपा की सरकारों को दीनदयाल उपाध्याय का जन्म शती वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने के लिए आह्वान किया। केंद्र सरकार भी इसको गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। और जब मुझे पल ठीक से याद है, नरेंद्र भाई को 2014 में एनडीए के सारे संसद मिलकर नेता चुनने की प्रक्रिया हो रही थी, नेता चुन लिया गया। बाद में नरेंद्र भाई ने अपने धन्यवाद भाषण में कहा जाए तो प्रधानमंत्री पद पर बैठने की अधिकृत घोषणा होने के बाद पहले भाषण में कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार होगी, दलितों की होगी,
आदिवासियों की होगी, पिछड़ों की होगी, युवा महिला किसान और गांव की सरकार। तो तीन साल सरकार के समाप्त हो गए, पीछे मुड़ कर देखते हैं तो नरेंद्र भाई ने जो कहा था उसी दिशा में सरकार चली। आजादी के 67 साल तक देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा 60 करोड़ लोग अपने आप को व्यवस्था से कटा हुआ महसूस करते थे। आजादी के फायदे उन तक पहुंचना बाकी था। ये 60 करोड़ लोगों के दिल में था कि आजादी तो मिल गई, मेरा क्या, देश की विकास की व्यवस्था में मैं कहां। वो अपने आप को ढूंढता था। आज 3 साल के बाद हम देखते हैं तो ये 60 करोड़ लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 साल चलने के बाद अपने आप को व्यवस्था का हिस्सा मानते हैं। मैं मानता हूं आजादी के बाद ये बहुत बड़ी उपलब्धि। 29 करोड़ लोग जनधन योजना के माध्यम से देश के अर्थतंत्र से जुड़े हैं। उनके बैंक अकाउंट खोलकर उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के द्वारा पैसा पहुंचाकर हमने उसको अर्थतंत्र का हिस्सा बनाया है। 2 करोड़ 80 लाख गरीब महिलाओं के घर में चूल्हा हटाकर कंडे और टहनियों का धुआं हटाकर गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और एक स्वस्थ जीवन जीने का। 15 करोड़ से ज्यादा लोग 12 रुपया और 300 रुपया बीमा लेकर अपने आपको एक सुरक्षा कवच के नीचे सुरक्षित महसूस करते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित किए हुए। 7 करोड़ 64 लाख लोग मुद्रा बैंक के माध्यम से स्वरोजगारी को प्राप्त कर आज जो रोजगारी मांग रहे थे वो रोजगारी देने का काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ इससे बड़ी गरीबों को स्वरोजगारी देने की योजना नहीं है। डिजिटल इंडिया के नरेंद्र भाई ने बात करी, मैं एक आंकड़ा आप सबके सामने निश्चित रखना चाहता हूँ क्योंकि आगे पर गरीबी उन्मूलन के लिए ये भी एक साधन बनने वाला है। जब हम सरकार में आए 600 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर पूरे देश में बिछाया गया था, आज उसका अंतर है 2 लाख किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर फैलाने का काम हम समाप्त कर रहे हैं। 19,000 गांव 65 साल की आजादी के बाद ऐसे थे, 67 साल की आजादी के बाद जहां पर बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचता, बिजली का वायर भी नहीं पहुंचता था। 19,000 में से 14,000 गांव में बिजली पहुंचाने का काम हमने समाप्त कर दिया है और 26 मई 2018 के पहले 19 के 19,000 गांव में कर दिए। 4.25 करोड़ घरों में आजादी के 67 साल के बाद भी शौचालय नहीं पहुंचा था, 3 साल में 4.5 घरों में शौचालय पहुंचा कर बच्चियों को सम्मान के साथ जीने का रास्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। देश के किसानों के लिए बहुत सारे श्रेणीबद्ध कदम उठाकर किसानों की आय को आजादी के 75 साल जब होंगे 2022 में तब तक दुगुना करने का लक्ष्य नरेंद्र भाई हमारे सामने रखा है और हमारी सारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसमें लगी। सबसे पहले किसानों की सहायता में अनेक गुना वृद्धि करी। जब आपदा आती है नीम कोटेड यूरिया का सफल प्रयोग किया, 100% नीम कोटेड यूरिया दिया, निर्यात यूरिया की उपलब्धि बढ़ाई, उसके दाम कम करे, साइल होल्ड कार्ड हर किसान तक पहुंचे, इस प्रकार के प्रयास चालू किए। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना के माध्यम से दूरस्थ विस्तारों में इरिगेशन पहुंचे, इसकी व्यवस्था की, ई मंडी के माध्यम से उसको अच्छे दाम मिले, इसके लिए आगे बढ़े। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान को सुरक्षित करने का काम किया। इसके साथ श्वेत क्रांति, ब्लू क्रांति और अभी नरेंद्र भाई गुजरात में एक नया नारा देकर आए हैं और उसको खादी ग्राम जो बोर्ड आगे बढ़ा रहा है, स्वीट क्रांति, मध के उत्पादन से, मधु के उत्पादन से किसानों की आय में बढ़ोतरी करना। मैं मानता हूं मित्रों हमने जो लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य किसानों की आय को दुगना करना किसी भी व्यक्ति को अब विश्वास आ गया है कि लक्ष्य प्राप्त करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से सफल होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में रोड, रेल, बिजली परिवहन और बिजली उत्पादन, इस सब में लगभग दोगुना से ज्यादा वृद्धि करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कश्मीर की टनल और ब्रह्मपुत्र का ब्रिज, ये दुनिया के लिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र की अजूबा माना जाता है मित्रों। और नर्मदा डैम अभी अभी प्रधानमंत्री जी लोकार्पण कर नर्मदा डैम का पूरे गुजरात और आसपास के 4 राज्यों के अंदर
खुशहाली पहुंचाने के लिए इसको लोकार्पण किया। जापान के प्रधानमंत्री के साथ बुलेट ट्रेन की नींव रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक नई दिशा हमने आगे बढ़ाई। मित्रों, हमने कहा था कि हम भ्रष्टाचार विहीन शासन है। अभी अभी कांग्रेस के युवराज विदेश में जाकर तंज कसते हैं और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि क्या है। भैया राहुल, बाकी सब तो मैं गिनाऊंगा, आप गिनते गिनते थक जाओगे, मगर सबसे बड़ी उपलब्धि है 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली आपकी सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी की कैसी सरकार आई है। 3 साल समाप्त हो गए, हमारे विरोधी भी उस पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप। मैं मानता हूं मित्रों कि आजादी के बाद सरकार पारदर्शी तरीके से कैसे चल सकती है, निर्णायक तरीके से कैसे चल सकती है, लोकाभिमुख सरकार कैसे चल सकती है और संवेदनशील सरकार कैसे चल सकती है, उसका उत्कृष्ट उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री ने देश के सामने रखा है। भ्रष्टाचार के निर्मूलन के लिए पहली कैबिनेट में काले धन को समाप्त करने के लिए एसआईटी का हमने घोषणा की, एसआईटी को बनाया, नोटबंदी के माध्यम से इस दिशा में 1 करोड़ कदम उठाया, मॉरिशस, साइप्रस और सिंगापुर की ट्विटर को समय से पहले बंद कर काले धन को विदेश से आने का रास्ता नरेंद्र मोदी सरकार ने बंद किया है। बेनामी संपत्ति का कानून सालों से बना पड़ता था, एक्ट नहीं बनता था, कानून को भी कड़ा किया, उसके रूल्स भी बनाए और रूल्स बनाकर उस पर कार्यवाही भी नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू कर दी है। मित्रों, 2 लाख से ज्यादा सेल कंपनियों को बंद कर सेल कंपनी के माध्यम से टैक्स चोरी का एक सिलसिला 65 के दशक के बाद जो शुरू हुआ था उसको 2017 में लगभग बंद करने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी सरकार। इसके साथ मैं कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार की दिशा में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसको देश के किसी खोजी पत्रकार ने नहीं। मित्रों, मैं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम की। जनधन योजना के जब खाते खुले बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे, इसको देश को क्या फायदा, वो गरीब को क्या फायदा, क्या फायदा होगा गरीब। मित्रों, जब जनधन योजना नरेंद्र भाई लागू कर रहे थे, हर गरीब के घर में खाता खोल रहे थे और उसके बाद उसका उपयोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में किया, अलग अलग योजनाओं का सीधा पैसा गरीब के अकाउंट में पहुंचने लगा और जब हिसाब किताब किया तो 59,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार सालाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जो लोग सवाल उठा देते हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, ये 59,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना के तहत किसी किसान के खेत में पानी पहुंचाने के काम आने वाला है, किसी गरीब महिला के घर में शौचालय बनाने के काम आने वाला है, किसी गरीब महिला को गैस पहुंचाने के काम आने वाला है, अंधेरे से युक्त गांव को उजाले से युक्त करने के लिए ये पैसा काम में आने वाला है। जनधन योजना का हिसाब मांगने वालों को आज हिसाब मिल गया है, 59,000 करोड़ रुपया सालाना 59,000 करोड़ रुपए का मतलब होता है 5 साल में 3 लाख करोड़ रुपया गरीब कल्याण के लिए खर्च होगा। जो हिसाब मांगते थे उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूँ, हर विधायक और सांसद, हर संगठन के कार्यकर्ता को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, हमारी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण सर झुका कर जाना पड़े, सीना तान कर लोगों के सामने जा सके, इस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने सरकार चलाई, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार है। कहीं पर भी हमें बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। मित्रों, विकास के इतने काम शायद ही आजादी के बाद किसी सरकार ने किए होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार और हमारी सरकारों ने किए। मित्रों, आर्थिक सुधार के बारे में भी बहुत सारे कदम उठाए गए, मगर मैं इस पर डिटेल में बात करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ भारत के अर्थतंत्र कितना गतिशील बना है इसके बारे में कुछ आंकड़े आपको जरूर देना चाहता हूं। मित्रों, जब 13-14 में हम सरकार में आए तब इस देश का GDP 4.7% था और गत एक साल का हम निकाल दें तो करीब करीब 7%
हर तिमाही में रहा है। देश के विकास दर को 4.7 से 7% के ऊपर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इंटरेस्ट रेट 8 से 12% के बीच में 10 साल रहा कांग्रेस के शासन में, भारतीय जनता पार्टी ने उसको 6% तक पहुंचाने का काम किया। महंगाई, मैं सीपीआई महंगाई की बात कर रहा हूं, 9.3% रही, उसको हमने ज्यादा से ज्यादा हमारे समय में 4.5% रही। मित्रों, ये उपलब्धि है। जो महंगाई के बारे में सवाल उठते हैं वो जरा अपने समय के आंकड़े देख ले तो उनको जवाब मिल जाएगा। मित्रों, करंट अकाउंट डेफिसिट जो -4.8% थी उसको 0.06% करने में हमने सफलता पाई है। और फॉरेक्स रिजर्व जो मनमोहन सिंह के समय में, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में $304 बिलियन था, और एक चाय वाले के बेटे जब प्रधानमंत्री बना तब उसके शासन में $400 बिलियन को क्रॉस कर। मित्रों, सेंसेक्स के आंकड़े में देना नहीं चाहता, शेयर बाजार रोज अपने आंकड़े अपने विक्रम खुद ही तोड़ रहा है। एफडीआई इनफ्लो पहले 3.7 बिलियन था, आज 6.3 बिलियन पहुंचा है। और टैक्स पेयर आजादी के 67 साल के बाद, आजाद हुए तब से 67 साल तक इस देश में 3.7 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते थे। नोटबंदी का साफल्य पूछने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारी बातें नोटबंदी के साफल्य में गिना नहीं की, मगर मैं एक ही आंकड़ा देना चाहता हूं कि पहले 3.7 करोड़ टैक्स पेयर थे, 3 साल के बाद 6.3 करोड़ टैक्स पेयर इस देश में थे। यही बताता है कि काले धन पर कितना लगाम कसा गया है। मित्रों, अभी-अभी केरल और पश्चिम बंगाल में से भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से और देश के सार्वजनिक जीवन के लिए भी बहुत चिंताजनक समाचार आ गए। केरल में जब से कम्युनिस्टों की सरकार बनी है, 6-7 माह के अंदर हमारे 13 कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 13 कार्यकर्ताओं की निर्मम और क्रूर हत्या करने का काम एक कम्युनिस्ट सरकार के तत्वाधान में। पश्चिम बंगाल के अंदर भी हर बूथ पर हमारे विस्तारक गए, 300 जगह पर विस्तारकों को उठाकर जेल में डाल दिया, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अनेक प्रकार के कलमें लगा, दफाएं लगा दी जाती है, और लोकतंत्र का गला घोंटने का काम मैं मानता हूं आजादी के बाद किसी राज्य में नहीं हुआ होगा। इतनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अवरोध करने का काम ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल की। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं, ये हिंसा का रास्ता हमें अभिप्रेत नहीं, हम उस रास्ते पे नहीं चल सकते, मगर इसका मुकाबला हम डेमोक्रेटिक तरीके से। भारतीय जनता पार्टी केरल में 3 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक एक पैदल यात्रा निकालकर इसके हिंसा के खिलाफ केरल के गांव गांव में जाएगी और इसके खिलाफ जागरूक करेगी। मेरा आप सभी से अनुरोध, हर राज्य की एक एक टुकड़ी हर रोज केरल के कार्यकर्ताओं के समर्थन में, युवा मोर्चे की टुकड़ी, युवा नेताओं की टुकड़ी केरल के कार्यकर्ताओं के समर्थन में आए, और जो कार्यकर्ता हमारे बलिदान हुए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इनके प्रति अपनी संवेदना दिखाते हुए एक जन जागृति के कार्यक्रम में सबने जुड़ना चाहिए। अगर कोई समझता है कि हिंसा के रास्ते से हम भारतीय जनता पार्टी का विकास रोक लेंगे, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, हिंसा का कीचड़ जितना भी फैलाओगे भाजपा का कमल उतना ही जोर से फिर कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हिंसा से कभी डरे नहीं, हिंसा के सामने झुके नहीं है। अगर डरे होते, झुके होते, तो इमरजेंसी के दौरान ही हमारी पार्टी बंद हो गई। हम तो संघर्ष करते करते आगे आए हैं, और आज भी देश के 80% हिस्से पर हमारा शासन होने के बाद भी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में दमखम है कि भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत और इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए बलिदान करें। मित्रों, केरल की जो पदयात्रा है, मैं मानता हूं कि ये पूरी दुनिया में ये राजनीतिक हिंसा है, इसको एक्सपोज करने के लिए, उसको खुला करने के लिए एक माध्यम बनने वाली है।
और वामपंथी राजनीतिक हिंसा को, विचारधारा आधारित राजनीतिक हिंसा को भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने खुला करना चाहिए। तो सभी प्रदेश के यूनिट विशेषकर युवा कार्यकर्ता केरल पहुंचे, केरल के अध्यक्ष जी को, कुंभरम जी को अपने यहाँ से भेजकर इसकी सूचना दे और एक कार्यक्रम को हमने सफल कराना चाहिए। मित्रों, आतंकवाद और अलगाववाद, ये दोनों विषय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। कुछ समय पहले देश भर में हमारे विरोधी सवाल उठाते थे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अंदर, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, नवासी के बाद के किसी भी 3 साल उठाकर देख लो, जितने आतंकवादी को सुरक्षा बल ने नसीहत की है इतने कभी नहीं हुए। एक सोची समझी रणनीति के तहत कश्मीर के अंदर सुरक्षा बल और केंद्र सरकार और कश्मीर सरकार आगे बढ़ रहे हैं और हमने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को जमीन पर उतार कर देखा है। और पहली बार पाकिस्तान जो पैसा भेजकर अलगाववाद को बढ़ावा देता था, आतंकवाद को बढ़ावा देता था, कश्मीर घाटी के युवाओं को गुमराह करता था, उस पर हमारी केंद्रीय एजेंसियों ने नकेल कसकर आज एक बहुत बड़ी सफलता पाकिस्तान के जो प्रयास थे उसको रोकने में पाए। मैं मानता हूं मित्रों, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान की भूमि से आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, इस बात को बहुत सारे साझा स्टेटमेंट के अंदर और बहुत सारे फोरम के रिजोल्यूशन के अंदर आमेल कराकर, इसको ऐड कराकर हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। मित्रों, अभी सुषमा जी का जो भाषण हुआ यूएन के अंदर, इसका मैं अगर जिक्र नहीं करूंगा तो ये बात अधूरी रह जाएगी। सुषमा जी ने पाकिस्तान की जो नीति है उसको यूएन के फोरम पर, यूएन की जनरल असेंबली में एक्सपोज कर पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को मित्रों, 3 तलाक के मामले पर जब पीड़ित महिलाएं सर्वोच्च अदालत में न्याय के लिए पहुंची, सर्वोच्च अदालत ने भारत सरकार को अपना पक्ष पूछा और भारत सरकार ने निर्भीक तरीके से दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति बताते हुए महिलाओं की समानता के अधिकार और वो पीड़ित महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा करनी चाहिए ऐसा पक्ष सर्वोच्च अदालत के सामने रखा और न्यायतंत्र ने भी समयानुकूल सानुकूल जवाब देते हुए आज 3 तलाक में से बहुत सारी महिलाओं को राहत देने का काम किया है। मैं 3 तलाक के लिए लड़ने वाली वो सभी पीड़ित महिलाओं को बधाई देना चाहता हूँ, आपके जरिए इस देश की करोड़ों महिलाओं को अपना अधिकार का प्राप्ति हुआ है। इसके अलावे पिछड़ा वर्ग के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू से अपना आग्रह 1955 से, जब से काका साहेब कालेकर कमीशन आया तब से लेकर आज तक पिछड़ा वर्ग अपने सम्मान के लिए तरस रहा। कई पिछड़ा वर्ग के सांसद नेता मुझे मिले, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, बिहार के चुनाव में संगठनात्मक रूप से जब कार्यालय आते थे उनकी एक ही बात होती थी कि हमारे पिछड़ा वर्ग के सम्मान को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए, मगर इतने साल हो गए कोई नहीं सुना। नरेंद्र भाई जब देश के प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र भाई ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने के लिए बिल लाकर इस देश के करोड़ों करोड़ों पिछड़ा वर्ग के लोगों को सम्मान दिलाने का प्रयास किया। लोकसभा में हमारा बहुमत था, ये बिल पारित हो गया, संवैधानिक सुधार था, 2/3 बहुमत चाहिए था। राज्यसभा में जब पहुंचे कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग बहाने निकालकर बिल को गिरा दिया और फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग को सम्मान दिलाना नहीं चाहती है, वो राज्यसभा के सदन के अंदर सिद्ध करती है। मगर मैं इस कार्यकारिणी के माध्यम से, जनप्रतिनिधि सम्मेलन के माध्यम से देश के करोड़ों पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार दोनों पिछड़ा वर्ग को सम्मान दिलाने के लिए कटिबद्ध है और 2019 के पहले हमें सम्मान दिलाएंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता।
समय की मांग, 1955 से पिछड़े वर्ग की ये मांग है। कांग्रेस पार्टी इसको रोकना चाहती है, मगर अब ज्यादा समय रोक नहीं पाए। बाकी सारे दल लामबंद होंगे, मैं स्पष्ट देख रहा हूं, जो जनाक्रोश आगे बढ़ रहा है पिछड़ा वर्ग का, पिछड़ा वर्ग में जिस प्रकार की डिमांड जनरेट हो रही, मोदी जी के कदम की जिस प्रकार की सराहना हो रही है, स्वागत हो रहा है, सभी पार्टियों को मजबूर होना पड़ेगा और ये बिल को पास कराने में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करना पड़ेगा। मैं पार्टी की ओर से पिछड़ा वर्ग के सम्मान के लिए जो बिल लेकर नरेंद्र भाई आए हैं, नरेंद्र मोदी सरकार आई है, इसके लिए पार्टी की ओर से हृदय से नरेंद्र मोदी सरकार का। मित्रों, एक छोटी सी बात है, मगर इस पर मैं जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि लाल बत्ती पर प्रतिबंध वर्षों से जो वीआईपी कल्चर देश में जमा हुआ है, दो क्लास वाला सोसाइटी की रचना जो अंग्रेजों को समय से हुई थी, नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट के एक ही प्रस्ताव से दो क्लास वाली सोसाइटी को एक क्लास वाली सोसाइटी कर दिया। समाज के अंदर कोई शासक वर्ग नहीं, सब समान है, ये लोकतंत्र है, इस स्पिरिट को नरेंद्र भाई ने आगे बढ़ाया है। मित्रों, उड़ान योजना के माध्यम से देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी हवाई सफर करने का स्वप्न पूरा करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, और अब घुटने भी अगर किसी को बदलने हो तो किसी को लोन लेने की जरूरत न पड़े, इतने सस्ते घुटने बढ़ने की बदलने की प्रक्रिया भी नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। मित्रों, गरीबों में इसका बहुत बड़ा असर है। जेनेरिक दवाइयां, स्टैंड का दाम कम करना और घुटने की कीमतों को कम करना, ये तीनों चीजों ने गरीबों को स्वास्थ्य लाभ करने के लिए आजादी के 70 साल के बाद अधिकार दिया है। मित्रों, विदेश नीति के मामले में भी इस सरकार ने गत कार्यकारिणी से अभी तक बहुत बड़ी नजर उठाई। मोदी जी की इजराइल यात्रा, इजराइल जब से बना तब से आज तक देश के कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल नहीं जाते थे, उसको टालते थे। नरेंद्र भाई ने इजराइल जाकर नए रिश्तों की शुरुआत की है। मैं मानता हूं तो कि रक्षा के मामले में, कूटनीति के मामले में और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के मामले में इजराइल और भारत का जो रिश्ता है, अनेक नई क्षितिजों को खोलने वाला रिश्ता होने वाला है, और वोट बैंक से ऊपर जाकर देश हित की राजनीति किस प्रकार से की जा सकती है, प्रधानमंत्री जी की इजराइल यात्रा इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मित्रों, दूसरी बात का मैं जरूर जिक्र करना चाहता हूँ, डोकलाम के अंदर जब जुलाई माह के अंदर भारत चीन और भूटान की सरहद पर एक विवाद का जन्म, उस वक्त पूरी दुनिया की नजर थी भारत क्या करेगा, किस प्रकार से आएगा, दबाव में आएगा नहीं आएगा, युद्ध तो नहीं हो जाएगा, अनेक प्रकार की अटकलें लगाई। मगर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने धैर्य, साहस और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए कूटनीतिक वार्ता से इस मामले को हल कर पूरे विश्व के अंदर प्रशंसा की प्राप्त की। मित्रों, शांति के प्रति प्रतिबद्धता को रखते हुए अपने हितों की रक्षा कैसे हो सकती है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण विश्व के सामने उन्होंने रखा है, और भूटान के प्रति अपने पड़ोसी धर्म का निर्वहन भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर जो घोषणा पत्र ब्रिक्स का हुआ, उसके अंदर सिर्फ आतंकवाद की निंदा हुई, इतना ही नहीं, लश्करे तोयबा, तालिबान, जैश ए मोहम्मद और हक्कानी समूह, ये सारों का उल्लेख कर पाकिस्तान को करारा जवाब दिलाने में हमने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। मित्रों, और मैं मानता हूं साइमन स्टेटमेंट भारत, चीन और ब्रिक्स के बाकी देशों के साथ संबंधों में एक नई ऊंचाई देगा। राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी के बीच में जो सकारात्मक बात हुई है, पार्टी उसका भी स्वागत करती है। आने वाले दिनों में इससे देश को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मित्रों, गुजरात और हिमाचल के अंदर चुनाव 2014 के बाद अनेक चुनाव पार करते 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 भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ, जिसके साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी है, वो हिमाचल और गुजरात पहुंचा है।
दोनों राज्यों के मेरे डिटेल दौरे हुए हैं। मैं आप सबको कहना चाहती हासिल न हुई हो इतनी बड़ी सफलता आने वाले दिनों में ये दो राज्यों में भाग लेना। गुजरात और हिमाचल के अब तक के भारतीय जनता पार्टी के विजय के सारे रिकॉर्ड इस बार के चुनाव में टूटने वाले हैं। मैंने दोनों राज्यों का डिटेल दौरा किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, वहां पर भारतीय जनता पार्टी विजय के लिए तैयार है। और आप सबसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हर चुनाव की तरह आपको भी पार्टी की ओर से अनेक कार्यकर्ताओं को अलग अलग स्थान पर काम की जिम्मेदारी दी जाएगी। हो सकता है आपका जो स्टेचर है, स्टेटस है, उसके अनुरूप आपको जिम्मेदारी न लगे। अगर हर कार्यकर्ता ने हर चुनाव में, मैं अध्यक्ष के नाते 3 साल के बाद कह सकता हूँ, पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम किया है, ये दोनों चुनाव में भी हम पार्टी के कार्यकर्ता बनकर लगे, ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। मित्रों, कांग्रेस ने अभी एक नए प्रकार की पॉलिटिक्स शुरू की, उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे, विकास पर वो हमसे बहस नहीं कर सकते, देश की सुरक्षा के बारे में वो हमसे बहस नहीं कर सकते, पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार की निर्णय की क्षमता पर वो बहस नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री जी के परिश्रम पर वो बहस नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री जी के विजन पर बहस नहीं कर सकते। उन्होंने अभी गलत आरोप लगाने की एक नई राजनीति शुरू की है और विदेश जाकर शुरू की। अभी अभी कांग्रेस के शहजादे ने विदेश में एक आरोप लगाया, एक बात रखी कि वंशवाद है भारत का स्वभाव। मैं उनको कहना चाहता हूं कि वंशवाद ये भारत का स्वभाव नहीं है, आपकी पार्टी का स्वभाव बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर ये वंशवादी राजनीति से इस देश के लोकतंत्र को मुक्त कराने में बहुत बड़ी सफलता हासिल की। हमने घरानेदारी की, जातिवादी और तुष्टीकरण की तीनों की राजनीति को पर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर परास्त करने में सफलता प्राप्त करी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर के चुनाव उसके उदाहरण। जो परफॉर्म करेगा जनता उनको चुनेगी, जो विकास करेगा जनता उसको चुनेगी। अब वोट वंशवाद के आधार पर नहीं मिलेंगे, जातिवाद के आधार पर नहीं मिलेंगे, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं मिलेंगे। ये अब देश की जनता का मूड बनाने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सफलता मिली। मोहम्मदी का सवाल हो, देश की सुरक्षा का सवाल हो, या दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने का सवाल हो, हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये 3 साल में ऐसा गौरवपूर्ण काम किया है जिसको आपके 10 साल के साथ भी कंपेरिजन नहीं कर सकते। मित्रों, जरूरत है कि हर कार्यकर्ता ने इसको ठीक से जवाब देने का। मित्रों, एक असहिष्णुता के खिलाफ भी कोई आवाज उठाए इसमें क्या विरोध हो सकता है? लोकतंत्र में किसी भी प्रकार की असहिष्णुता को सहन नहीं करना चाहिए। हम भी मानते हैं असहिष्णुता लोकतंत्र का लक्षण ही नहीं, मगर जब सिलेक्टिव असहिष्णुता का विरोध होने लगे तब लोकतंत्र में एक नए प्रकार की विकृति होती है। और आजकल विपक्षी पार्टियां सिलेक्टिव असहिष्णुता का विरोध करने में लगी है। केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या होती है, उनके माथे पर छू नहीं रहते। कश्मीर में पंडित भगाए जाते हैं, उनको कोई चिंता नहीं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर जला दिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनके शासित राज्यों के अंदर हिंसा होती है, उनके कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब जब भी चुनाव आता है असहिष्णुता का मुद्दा राजनीतिक रूप से उठाते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, असहिष्णुता का लक्षण समानता में से ही पैदा होता है। अगर असहिष्णुता का मुद्दा उठाने में भी समानता नहीं है तो असहिष्णुता का मुद्दा उठाने का आपको कोई अधिकार नहीं। मित्रों, देश की जनता इसको जानती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने हर स्तर पर इसका जवाब देने की जरूरत है। मित्रों, मैं आज मेरे भाषण को समाप्त करने के वक्त एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये सरकार जो चल रही है, ये सरकार देश की जनता की आशा बनी, देश
को आगे कैसे ले जाया सकता है, इसका एक रोड मैप नरेंद्र मोदी सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने रखा। 3 साल का हमारा कार्यकाल, अब देश की जनता के मन में, देश के कोई कोने में संशय नहीं है कि भारत किस दिशा में जा रहा है। 2014 में पूरा विश्व सोच रहा था कि भारत की विकास की गाथा समाप्त होगी। देश भर के 125 करोड़ लोग सोच रहे थे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज पूरा विश्व भारत के साथ संबंध रखने के लिए उत्सुकता दिखा रहा है और पूरा देश मान रहा है कि देश विकास के रास्ते पर आगे चल रहा है। मित्रों, नरेंद्र भाई ने एक विजन रखा है, न्यू इंडिया का विजन। 1942 से 1947 ये 5 साल हमारे आजादी के आंदोलन की चरम सीमा है। अंग्रेज भारत छोड़ो के नारे के साथ इतने प्रचार माध्यम न होने के बावजूद गरीब से गरीब व्यक्ति देश का आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ गया। दूर दराज गांव में रहने वाला व्यक्ति, पहाड़ियों की चोटियों पर रहने वाला व्यक्ति, जंगल के अंदर रहने वाला वनवासी या सागर किनारे पर रहने वाला सागर खेडू, ये सब देश की आजादी के साथ जुड़ गए थे और अंत में देश को आजादी मिली। मित्रों, 2022 में देश की आजादी को 75 साल समाप्त। नरेंद्र भाई ने सिद्धि से संकल्प का ये रास्ता हम सबको बताया है। मेरा भारतीय जनता पार्टी की इस हॉल के अंदर बैठे हुए सभी कार्यकर्ताओं को अपील है कि नरेंद्र भाई ने ये न्यू इंडिया का जो विजन रखा है, ये न्यू इंडिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जगह, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह, हमारी सरकारों की जगह 125 करोड़ की जनता का नारा बने, 125 करोड़ की जनता का संकल्प बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम करेगी। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब 75 साल हो गए देश की आजादी के, तब हमने न्यू इंडिया की रचना कर ली और इसके लिए इन्होंने 6 संकल्प दिए। गंदगी भारत छोड़ो, गरीबी भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, आतंकवाद भारत छोड़ो, जातिवाद भारत छोड़ो, संप्रदायवाद और तुष्टिकरण भारत छोड़ो, ये जो नारा है वो नारा जन जन का नारा बनाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लग जाए। मित्रों, आज दीनदयाल जी की जयंती के अवसर पर, दीनदयाल उपाध्याय जन्म जयंती के समारोह के अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं। मित्रों, हमने एक बहुत बड़ी पार्टी बनाई, हमने एक सफल पार्टी बनाई, अनेकों सरकारों की रचना करी, अनेक जिला परिषद में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, म्यूनिसिपालिटी में, तहसील पंचायतों में हम शासन पे आए, मगर सार्वजनिक जीवन की सुचिता को भी हम ऊंचा उठाकर हम ऐसे एक ऐसा दबाव पैदा पड़े करें, केवल भारतीय जनता पार्टी देश के सभी राजनीतिक दल सार्वजनिक सुचिता के साथ जीवन, सार्वजनिक जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसा प्रण आज हम सबने बना लिया। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी इस देश के सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई देना, और ऊंचाई को उपदेश से नहीं दी जाती मित्रों, कर्तृत्व से दी जाती है, खुद उसका अमल करने से दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में संकल्पवान होकर ये 2022 में न्यू इंडिया की रचना की दिशा में आगे बढ़े और देश की जनता को इन न्यू इंडिया के मंत्र को देश की जनता का मंत्र बनाने के लिए हम हर निश परिश्रम करें, परिश्रम की पराकाष्ठा करें और भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने का स्वप्न नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हम साकार करें। यही बात के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की।